नमस्कार दोस्तों, MCWG LMB लाइसेंस जो भी लोग आवेदन करने वाले हैं, अब उन लोगों के लिए एक बार फिर से मैं गुड न्यूज़ निकल आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको जो गुड न्यूज़ निकल के आई है MCWG LMB लाइसेंस रिलेटेड वो पता लग जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा सबसे पहले। और उसके बाद दोस्तों, मैं आपसे अभी कभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक अभी अभी कर दीजिए, ज़ोर से लाइक का बटन दबाइए। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलती है नई वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह फ्री ऑफ कास्ट होता है। बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेज वीडियो आप तक मिलती रहे। लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है MCWG LMB लाइसेंस जो आवेदन करता है उनके लिए क्या नई खबर निकल के आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसो पिछले टाइम में जो लॉकडाउन हुए या फिर कोविड की जो पेंडेमिक सिचुएशन आई आपने इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारे यहाँ पर सिचुएशन बनी उसके हिसाब से जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते थे, जो कि होता है Form 1A और Form 1 होता है सर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये दोनों आपको जानकारी होती है। अगर नहीं है तो जान लीजिए, अगर आप नहीं अभी तक बनवाए लाइसेंस या फिर बनवाए होंगे तो भी आप इसको जानते होंगे। तो इसमें आपको दो फॉर्म भी सबमिट करने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते टाइम, यानी कि आप लर्निंग बनवाने जाते हैं तो फिर तो आपको दो फॉर्म देने होते हैं नए MCWG LMB लाइसेंस के लिए। मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें एक जो फॉर्म होता है Form 1A, ये मैंडेटरी कर दिया गया था पहले कोविड के चलते, यानी कि कोविड में कौन वहाँ पर किसको क्या सिम्टम्स हैं, कौन बीमार है कौन नहीं है, इसके लिए 1A सभी के लिए उसको जारी कर दिया गया था कि सब लोग Form 1A दें, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट खुद से बनवाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर। उसमें गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, बाकी जो प्रोफार्मा रहता है मैंने वहाँ पर दे दिया था वीडियोस में, उसमें एक वीडियो बनाई है ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट, आप जाकर देखिए। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसको जाकर चेकआउट करिए, उसमें आपको मिल जाएंगी कि सारे फॉर्म वगैरह कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है Form 1A, Form 9, 2, 1 सब कुछ है वहाँ पर। तो फॉर्म बने सबके लिए वहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया था कि वहाँ पे सबको देना पड़ेगा कोविड के चलते, लेकिन अभी इसको फिर से ड्रॉबैक कर लिया गया है इस रोल को। जी हाँ, अब यह एक बार फिर से सिर्फ 50 साल अगर आपकी उम्र है तो, 50 साल अगर आप प्लस हैं, 50+ हैं, तो ही आपको यह Form 1A देना पड़ेगा। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ है, अब आपको Form 1A नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली खबर है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि आप ज़्यादातर चीज़ें खुद से कर लेते थे, जैसे कि आप Form 1 जो होता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म माना जाता है, और Form 2 लर्निंग लाइसेंस के लिए हो जाता है, इसे Form 8 है, 9 है रिन्यूअल के लिए है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको वीडियो बताई, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी परिवहन सेवा से डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्म फिलअप कर लेंगे, Form 1A डाउनलोड करके खुद से सर्टिफाइड उसको, यानी कि सेल्फ तरीके से आप फिलअप करिए कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, सेल्फ अटेस्टेड आप उसको कर सकते हैं। लेकिन 1A के लिए आपको दौड़ कर जाना पड़ता था सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर उससे चक्कर काटिए, उनसे वेरिफिकेशन करवाइए वगैरह वगैरह। तो अब वो चीज़ें जो हट गई, तो 1A अब सिर्फ 50+ जिसकी एज है उसको देना पड़ेगा LMB MCWG अगर आप बनवाने के लिए जाते हैं, या फिर आप रिन्यूबल के लिए भी जाते हैं तो भी मांगा जाता था Form 1A, यानी कि उसको मैंडेटरी कर दिया गया था कोविड के चलते, यानी कि कोविड जो सिचुएशन आई उसके लिए मद्देनज़र। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोविड वगैरह के टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाने हैं, आप खुद से अटेस्ट करके दीजिए। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम है तो आप मत जाइए, उसमें जो भी आप खुद से लिख कर दे सकते हैं, तो अभी पावर आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मिसयूज करते हैं और अगर वहाँ पे कोई आपको सिम्टम नज़र आते हैं RTO ऑफिस में, तो वहाँ पर आपके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा आपका। तो इससे आप बच कर रहिए, और LMB MCWG लाइसेंस धारकों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि उनको Form 1A नहीं देना है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपकी एज 50 के अंदर है तो आपको नहीं देना है, 50+ है तो आपको 1A देना पड़ेगा। यही गुड न्यूज़ थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओपन है। और अगर मुझसे पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं, सुझाव के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, @TechnicalLogic इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, आपके आंसर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है ड्राइविंग लाइसेंस परमिट RC फिटनेस में,
तो आप ट्वीट कर सकते हैं, आपने जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं मंत्रालय तक पहुंचा देता हूं। तो @TinkerAlokji ट्विटर पर हैंडल है, 140 करेक्टर्स जो वर्ड्स मिलते हैं उसमें अपनी समस्या लिखिए, ट्वीट कर दीजिए, टैग करना मत भूलिएगा @TinkerAlokji, मोर्थ इंडिया और अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी सभी लोग तक करिएगा ताकि सब लोग को ये जानकारी पता हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।